वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का धमाल जारी है। इसी बीच खबर सामने आई कि धुआंधार ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को हैमस्ट्रिंग मसल्स में चोट लग गई है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल्स होती क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स में चोट लगने की वजह से शुभमन गिल को खेल बीच में ही छोड़कर उन्हें फील्ड से बाहर निकलना पड़ा। जब शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्हें चलने या दौड़ने में तकलीफ महसूस हो रही थी, जिसके बाद फिजियो उनके पास गए, लेकिन तकलीफ कम ना होने पर उन्हें मैदान से बाहर निकलना पड़ा। अब ये जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल्स होती क्या है। देखिए, हैमस्ट्रिंग एक मांसपेशी है जो बहुत सारे मांसपेशियों से बनी होती है। ये पैर के थाई के पिछले हिस्से और घुटनों तक होती है। आपका पैर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका पूरा कंट्रोल इसी मसल के पास होता है। यही मसल थाई की बड़ी मसल्स को हड्डी से जोड़ती है। दौड़ने चलने के दौरान यही मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव अचानक से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दौड़ने चलने या चढ़ने में परेशानी आ सकती है। इस तरह की चोट खिलाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अगर एक बार हैमस्ट्रिंग की समस्या शुरू हो जाए तो ये ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकती है। अब कैसे पता लगाएं कि आपको हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव हुआ है? तो हैमस्ट्रिंग मसल्स में दर्द और जांघ के पीछे का हिस्सा नर्म पड़ना इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसकी वजह से सूजन और स्किन का लाल भी पड़ना हो सकता है। पैर के सहारे चलने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो बैठने चलने या खड़े होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। कभी कभी तो ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप इसे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। बहरहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहे बोल्ड स्काई के साथ। नमस्कार।